हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोरिज्म। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विवो आई 100 डिवाइस के अंदर आप बैटरी सेवर सेटिंग कैसे करें। दोस्तों आप अपने फोन में बैटरी पावर को सेव कैसे करेंगे। दोस्तों जैसे आपके फोन में बैटरी जल्दी खत्म हो जाता है या आप कहीं पे सफर कर रहे हैं, आपके पास चार्जिंग करने का प्रॉब्लम है, तो आप अपने बैटरी पावर को अगर सेव करेंगे तो आप ज्यादा देर तक अपने फोन को यूज कर पाएंगे। तो चलिए अपने फोन में कैसे बैटरी पावर को सेव करना है उसका सेटिंग हम आपको बताते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं, वहां से आपको बताते हैं किस तरह से आपको अपने फोन में बैटरी पावर को सेव करना है। तो दोस्तों आप देख रहे हो जो हमारा डिवाइस है यहाँ पे शो हो रहा है, अपने डिवाइस से हम आपको बताएं कि आप अपने फोन में बैटरी पावर को सेव कैसे करेंगे। दोस्तों उसके लिए आपको फर्स्ट नंबर अपने सेटिंग को ओपन करना है। तो हम यहाँ पे अपने सेटिंग को ओपन कर लिया, आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग है यहाँ पे ओपन हो चुका है और सेटिंग में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आपको मिल जाएगा बैटरी का ऑप्शन, तो आपको बैटरी को ऑप्शन पे क्लिक करना है, योलो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बैटरी की सेटिंग है यहाँ पे आ जाते हैं, आपकी जो बैटरी परसेंटेज है यहाँ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नीचे आना, नीचे आपको मिलता है बैटरी सेवर का ऑप्शन, तो आपको बैटरी सेवर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, योलो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं यूज बैटरी सेवर। अगर आपको अपने फोन में बैटरी सेवर को यूज करना है, तुरंत से यूज करना है या नहीं भी यूज करना, अगर आपको अपने फोन में बैटरी सेवर को सेटिंग करके यूज करना है तो आपको इसको पहले इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे आपके फोन में बैटरी सेवर ऑन हो जाएगा और आपके फोन में बैटरी सेवर यूज होने लगेगा, आपकी जो बैटरी है वो सेव होने लग जाएगी और जो आपकी डिस्प्ले है वो ब्लैक कलर की हो जाएगी, डार्क मोड में आ जाएगा आपका फोन। क्योंकि जब आपके फोन में बैटरी सेवर ऑन होगा तो आपका फोन जो डार्क मोड में रहेगा तभी आपके फोन में बैटरी पावर सेव हो पाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऑफ कर देते हैं, हमारे फोन में बैटरी जो यहाँ पे बैटरी सेवर ऑन है तो इसलिए जो हमारी जो डिस्प्ले है वो डार्क मोड में हो जाती है, तो हम इसको लाइट मोड में यूज करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ नीचे आपको मिलता है सेट स्टेटस, तो दोस्तों आप अपने फोन में लो मोड सेटिंग कर सकते हैं। जैसे आप अपने फोन को यूज कर रहे हैं या कहीं सफर में जा रहे हैं तो आपको चार्जिंग करने की प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे आपको चार्जिंग करने की व्यवस्था नहीं है तो आप चार्ज कैसे करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, अपने फोन में लो मोड यूज करना है। अगर आपका फोन जैसे 30-40% 50% पे आएगा, ऑटोमेटिक आपका फोन लो मोड में आ जाएगा, तो वहां पे क्या होगा कि आपका जो बैटरी पावर सेविंग है यहाँ पे वो ऑन हो जाएगा। तो जो आपका बैटरी सेवर है जब ऑन हो जाएगा तो आपका वहीं से बैटरी सेव होने लग जाएगा, आप अपने फोन का नोटिफिकेशन भी पा पाएंगे हमारे फोन में जो फोन है हमारा वो लो मोड में आ चुका है और हमारा फोन है वो उसको हम सेव करके रखें ताकि जो हमारा बैटरी पावर हो ज्यादा देर तक चल पाए। तो यहाँ से यहाँ पे आप देख रहे हैं नो स्टेटस, अगर आपको अपने फोन में इसको नहीं यूज करना है तो नो स्टेटस पे क्लिक करना है, अगर आपको अपने फोन में लो मोड यूज करना है तो आपको इसको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं परसेंटेज सेटिंग करने को आ जाता है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं 40-50% 55%, जितने पे आप सेट करेंगे उतने देर तक आपके फोन में उतने परसेंट तक जब तक आपकी बैटरी लो होकर नहीं आएगी आपका फोन लो मोड में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने 35% सेट कर दिया है तो हमारा फोन जो है चार्जिंग जो हमारा बैटरी परसेंटेज है जब भी 35% पे जैसे आएगा वहीं से हमारे फोन में लो मोड ऑन हो जाएगा और जो बैटरी सेवर है ऑन हो जाएगा और हमारे फोन में बैटरी सेव होने लगेगा, तो हमारा फोन काफी अच्छा रहेगा, हमको टेंशन नहीं रहेगा। जैसे हमारा फोन जो है लो मोड में आएगा ऑटोमेटिक हमारा बैटरी सेवर ऑन हो जाएगा और वहीं से हमारी जो बैटरी है वो सेव हो पाएगी और ज्यादा देर तक यूज भी हो पाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम यूज करते हैं और अपने बैटरी को नहीं ध्यान देते हो कितना है, तो यहाँ पे पता भी लग जाएगा हमारे फोन में जो बैटरी है वो लो मोड में आ चुकी है और हम अपने फोन में बैटरी को सेव करके अब रख सकते हैं। तो चलिए इसको अपने हिसाब से मैनेज कर ले कितने पे यूज करना है और हम यहाँ से बैक होते हैं और यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आपको मिल जाता है टर्न ऑफ व्हेन चार्जिंग। दोस्तों जैसे आप अपने फोन को चार्ज लगा देते हैं, अपने फोन में अगर आप बैटरी सेवर को ऑन करके रखे हैं इसके बाद आप चार्जिंग लगा देते हैं तो जैसे आपका फोन जो हो चार्जिंग होगा तो जैसे चार्जिंग में लगाते ही आपका जो बैटरी सेवर है वो बंद भी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर उसको ऑन रखना है तो आपको ये वाले बटन को इनेबल कर लेना है, आप जब इसको इनेबल कर देंगे तो आप अपने फोन को चार्ज लगाएंगे तो आपका जो बैटरी सेवर है वो 90% तक जब तक आपका फोन चार्ज नहीं हो जाता तब तक वो बंद नहीं होगा, 90% तक जब चार्ज हो जाएगा ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इसको इनेबल करके अपने फोन में यूज कर सकते हैं और अपने फोन में बैटरी सेविंग सेटिंग करके अपने बैटरी पावर को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई जरूरी नहीं कि आप अपने सेटिंग में आए बार बार, यहाँ से इसको कोई जरूरी नहीं है, आप अपने कंट्रोल सेंटर से भी अपने बैटरी सेवर को ऑन कर सकते हैं। चलिए अपने कंट्रोल सेंटर को ऑन करते हैं, आप देख रहे हैं जो हमारा कंट्रोल सेंटर यहाँ पे ऑन है और यहाँ पे आप देख रहे हैं बैटरी सेवर का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी अपने फोन में बैटरी सेवर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप अपने फोन में बैटरी सेवर को ऑन ऑफ करके यूज कर सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका किस तरह से आपको अपने फोन में बैटरी सेवर सेटिंग करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्रिंस फिल्म में तब तक के लिए बाय बाय।